अगर आप बिहार बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट हो और अपना मैट्रिक का रिजल्ट जांच करना चाहते हो तो गूगल में एंटर करें इंडिया रिजल्ट्स। जैसे यहाँ पर हमने एंटर किया, करने के पश्चात यहाँ पर देख सकते हैं कि एक लिंक आ चुका है indiaresults.com, इनको टच करें। इनको टच करने के पश्चात पेज इस प्रकार से ओपन होगा। यहाँ पर जो है कि सभी राज्य के नाम दिए गए हैं, आपको बिहार बोर्ड का चेक करना है तो बिहार वाले यहाँ पर जो ये लाइन है लिखा हुआ, इनको टच करें। करने के पश्चात यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड दिया हुआ है, इनको टच करें। टच करने के पश्चात स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर आए और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 24 मार्च को जो इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी किया गया है, इसका लिंक यहाँ पर अवेलेबल है, नाउ अवेलेबल लिखा हुआ है, देखिए रेड कलर में नाउ अवेलेबल। और यहाँ पर है कि इन्फॉर्मेशन अबाउट क्लास 10th मैट्रिक रिजल्ट 2020, तो यहाँ पर नाउ अवेलेबल नहीं लिखा हुआ है। तो अभी मैट्रिक का रिजल्ट जारी नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर नाउ अवेलेबल नहीं लिखा हुआ है। जैसे ही जारी होगा तो यहाँ पर नाउ अवेलेबल लिखाएगा। तो यहाँ पर आप आकर के मैट्रिक का रिजल्ट चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे एक नोटिस जिसमें मैट्रिक के रिजल्ट को लेकर के डेट दिया हुआ है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि मैट्रिक रिजल्ट से संबंधित सभी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए ताकि व्हाट्सएप पर भी आपको मैसेज मिलता रहे। इस चैनल पर प्रत्येक दिन विजिट करके मैट्रिक रिजल्ट से संबंधित सभी जानकारी आप पा सकेंगे। साथ ही आप लोग पेपर का कटिंग चाहते हैं तो आप लोग फेसबुक पर सर्च करें सम्राट सर, और वहां पर पेज को लाइक करके मैट्रिक रिजल्ट से संबंधित पेपर का कटिंग भी पा सकते हैं। तो चलिए उस नोटिस को देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक स्टूडेंट जो है ये अभी व्हाट्सएप में हम हैं, और एक स्टूडेंट जो है कि एक नोटिस शेयर किया है। यहाँ पर देख सकते हैं ब्रेकिंग न्यूज़, बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट 8 अप्रैल बुधवार को घोषित होगा। तो देखिए इस प्रकार से जो है कि नोटिस वायरल हो रहा है, तो आप लोग जान लीजिए ये जो नोटिस है वायरल जो हो रहा है ये सही नहीं है और 8 अप्रैल को रिजल्ट घोषित नहीं होगा। आप लोग 100% कन्फर्म हो जाइए कि 8 अप्रैल को रिजल्ट घोषित नहीं होगा, और आप लोग कमेंट करके पूछते हैं कब आएगा कब आएगा, तो आप लोग जान लीजिए कि अभी रिजल्ट को लेकर के कोई तिथि जारी नहीं हुआ है, तो इसलिए कन्फर्म बताना मुश्किल है कि रिजल्ट कब आएगा। लेकिन इतना याद रखिए कि 21 से 23 के बीच में मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट आ सकता है। लॉकडाउन के बाद यानी 14 अप्रैल के बाद कॉपी जाँच खत्म हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। तब अभी कॉपी जाँच शुरू हुआ भी नहीं है, तो ऐसे मैं कैसे कह सकते हैं कि मैट्रिक का रिजल्ट स्थिति तक आ जाएगा या उससे पहले आ जाएगा। ये सब जो मैसेज वायरल हो रहा है पूरी तरह से फर्जी मैसेज है जिसमें कोई सच्चाई नहीं है, और कहीं भी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो कहीं पर भी आपको इस प्रकार का नोटिस नहीं मिलेगा। हालांकि ये बिहार बोर्ड है इसलिए रिजल्ट जारी होने से पहले कोई नोटिस जारी नहीं होता है, यानी जैसे ही कॉपी जाँच खत्म होगी तो रिजल्ट कभी भी जारी हो सकता है विदाउट नोटिस के भी। तो इसलिए आप लोग आकर के इस चैनल पर विजिट करके देखते रहे, क्योंकि हम एक एक पल की खबर बिहार बोर्ड से संबंधित रखते हैं ताकि जैसे ही मैट्रिक का रिजल्ट जारी होगा वैसे ही आपको सूचना मिल जाएगा। तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को 10 ग्रुप में फैलाइए ताकि अन छात्र भी जो भ्रमित हो रहे हैं कि 8 अप्रैल को रिजल्ट जारी होगा, वे भी जान सके कि 8 अप्रैल को रिजल्ट जारी नहीं होगा। ये नोटिस पूरी तरह से गलत नोटिस है, सही नोटिस नहीं है, फर्जी नोटिस है।